हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी और दूसरी पैथी जो ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है उसके बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे हमें होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए और क्या क्या डिफरेंस है दोनों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथी और इनके सबके वर्ड मीनिंग। जो एलोपैथी होता है उसका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एलोइज और पैथोस। एलोइज मतलब असिमिलर, डिसिमिलर, और पैथोस मतलब सफरिंग। और होम्योपैथी में वर्ड मीनिंग होता है होम्योस और पैथोस, यानी सिमिलर सफरिंग्स के बारे में। फिर इसका जो प्रिंसिपल है, जो दूसरी पैथी होती है उसका कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं होता है, सिद्धांत नहीं होता है, जबकि होम्योपैथी का एक फिक्स सिद्धांत होता है, सिमिलर सिमिलस कुरेंटम। इसके अलावा डेफिनेशन देखें तो दूसरों के जो ड्रग और डिजीज के बीच में रिलेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट कोई ऑर्गन पे काम करती है जो दूसरी जो भी पैथीज होती है। लेकिन होम्योपैथी थेरेपेटिक सिस्टम ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी पे डिपेंड करती है, वो उसका कारण भी खत्म करती है और टोटलिटी को ध्यान में रख के। इसके अलावा डिस्कवरी है, जो दूसरी पैथी की कोई फिक्स डिस्कवरी नहीं है। दूसरी पैथी की डिस्कवरी की बात करें तो उसका कोई भी जो नॉन डिस्कवरी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी को हैनी मेलन साहब ने डिस्कवर किया था और उसका एक प्रूफ भी है उनके पास। इसके अलावा अप्रोच देखें तो दूसरी पैथी की अप्रोच होती है मेटालिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब वो मेटल पे काम करती है, उसका जो सब्सटेंस जो केमिकल जो काम में लेते हैं, ड्रग काम में लेते हैं उसके ऊपर। जबकि में डायनेमिक अप्रोच होती है, मतलब वो अंदर से ठीक करती है, रूट से। इसके अलावा बेस देखें तो यह दूसरी जो पैथी होती है उसमें बेस देखें तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जबकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होते हैं, मतलब हर जो आदमी होगा उसका अलग दवाई होगी, भले वो बीमारी एक हो क्योंकि उसका कारण अलग होगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट देखें तो दूसरी पैथी की लोकल कॉन्सेप्ट होगा डिजीज का, लोकल मतलब वो जगह काम करेगी, जबकि जो होम्योपैथी है वो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर ऑफ डिजीज में काम करेगी। इसके अलावा प्रूविंग देखें तो सबसे मेन जो डिफरेंस है और जिसकी वजह से होम्योपैथी को काम में लेना चाहिए वो ये है कि जो प्रूविंग है दूसरी पैथी की वो एनिमल्स पे की गई है, लेकिन जो होम्योपैथी की जो प्रूविंग है हेल्दी ह्यूमन बींग में की गई है। और जो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि जो आदमी पे ही परीक्षण किया गया है, तो आदमी को एक तो ठीक करना है तो डिजीज के बारे में, और जो ठीक करना रूट से ठीक करना वही ठीक कर सकती है। होम्योपैथी हमें लेनी चाहिए और हमारे लिए सबसे बेहतर पैथी होम्योपैथी। धन्यवाद।